फिर हम लोगों ने एक होटल ढूंढा जो घाट के पास हो, ताकि हम घाट आसानी से जा सके शाम के टाइम पे। और ये अमित भैया हैं मुस्कुराते हुए। तो ऐसा है कि अमित बोल रहा है कि वो लिफ्ट से जाना आना नहीं करेगा और ना ही सीढ़ियों से, वो खिड़की से ही नीचे जाना आना शुरू करेगा। और खिड़की इतनी बड़ी है कि अगर मैं अमित को यहाँ से नीचे फेंक दूँ तो अमित सीधे बनारस की गलियों में, बहुत टाइम बचेगा। पता नहीं क्यों जब भी मैं बनारस गया हूँ मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट पार्ट है। और मैं तो फर्स्ट डे ही कराऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पंडित जी दिखे नहीं। उसके बाद फिर अमित ने भी कराया, गए गंगा के किनारे, थोड़ी देर खड़े रहे, देखे। लेकिन रात में ऐसा लगता है कि ज़्यादा मज़ा है घाट पे दिन के कंपैरिजन में। हमने वहाँ पे मस्त छोले भटूरे खाए, मस्त था, मज़ा आ गया मतलब। और फिर उसके बाद हमने उसने ही बताया, फिर हम लोग चले गए फिर लस्सी पीने के लिए। अब किधर जाना है? आई थिंक ये है, यही है, यही है गली। आज की आखिरी रात है बनारस में, यहाँ से खाना पैक करा के होटल जाना है, वहाँ पे खा के बस सो जाना है, उसके बाद कुछ करना नहीं है। और तो कई बार आया बनारस हम आएंगे तो घाट यार, तुम बोलने नहीं देता है एक तो इतना हिम्मत तो के इंसान बोलता है मेरा फोन क्या करेगा अपना फ़ोन लेके, कुछ नहीं क्या बोले। तो अभी है हम लोग करमचंद डैम पे जो कि बिहार में पड़ता है, और अमित का ये एक वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस ऑफ बिहार के लिस्ट में ये शामिल है। यहाँ से सनसेट देखने का मज़ा आएगा ना यार, थोड़ी देर बाद देखेंगे सनसेट भी और आपको भी दिखाएंगे भाई बिहार कितना खूबसूरत है। ऐसा नहीं मिलेगा, हाँ ज़्यादा नहीं बोल गया थोड़ा ये, हाँ तुम्हारा सही है भाई। लिट्टी चोखा भी मिल रहा है और खाने का भी दिक्कत है नहीं, नेटवर्क ही नहीं है यार। ये यहाँ पता वो कहानी है, नो वाईफाई नो इंटरनेट, कैन यू लिव हियर? हेलो बांधो, एक कोई बांधो, हम लोटा पकड़े हुए बांधो, तुम निकालिए लगा दिया कुछ मिला मैं तुम गिरा यहाँ फोड़ लेना, अरे एक ही बार लेना वरना पाप लगेगा फिर। ठंडा नहीं लग रहा है तुमको? हाँ ठंडा नहीं लग रहा है, ठंडा कम है ले भाई, मतलब यहाँ का आस्था गजब है, अनबिलीवेबल है भाई। एक ही घर से हो क्या? अलग अलग घर के हो? एक ही घर से हो? बनारस से सासाराम जो कि 130 या 40 किलोमीटर के आसपास है, बहुत थकान हो गई थी यार, कुछ दूरी चलने के बाद ऐसा लगता ना पूरी पीठ अकड़ गई, अच्छा लगा, मज़ा आया। और अमित खुद अपनी बाइक लेकर आया था, तो इससे हमें बनारस घूमने में तो आसानी हुई, लेकिन वापस जाने हमारे साथ क्या हुआ चलिए देखते हैं। गाड़ी चलाओ, थक गया इतने में, थक गया पता पहले से चला रहे हैं। यहाँ के बाद से गाड़ी अब मेरे हाथ में, अमित भैया थक चुके हैं, हम लोग और इसके बाद चाय पी के फिर चलेंगे वापस अपने मंजिल की ओर, जो कि है अमित का गांव। ये चश्मे वाले भैया अपने चश्मे की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि चश्मे में क्या हो जाता है फॉग और धूल। और ये जो मुंह से जो भाप मार के चश्मे साफ करने की मीडिया टेक्निक है ना, दुनिया अलग दिख रही होगी और दुनिया चार दिख रही है। अरे हाँ समझ तो रुपया नहीं के पहले अभी, अरे सारा तो रुपया नहीं के पहले अभी, एकर तीन गो हो गई बा पूरा मोदी का तीन चलाएगा चला लू ज्यादा आराम पीछे बैग लेके बैठने से। सर तुम लोगों को साला गाड़ी चलाने आता नहीं? हाँ हाँ सारे ट्रैफिक नियम कानून सब तुमको ही पता है, कोई दरकार नहीं गाड़ी चलाने का, कहीं भी नहीं मुझे पता है। कभी गाड़ी लॉन्ग ट्रेवल पे जा रहा हूँ तो गाड़ी का कभी कभी ब्रेक छोड़ दिया, कभी ब्रेक लेने का, शरीर इस तरह से हिलते रहता है, साला थकान होता है।
एक चाल पे चलो, एक चाल पे चलते रहो, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ ब्रेक मारो। चाहे भाई तो वही चला रहा है, अब हल्का सा भी डाउन करता है यार, बहुत इरिटेट करता है यार ये लड़का। सही में हल्का सा भी डाउन करते हो, अप करते हो ना, तो हल्का सर्विस तो इससे हिलते रहता है। ऐसे ऐसे तो होगा ही, इस तरह रोड खराब है, ऊपर से तुम एक्सीलेटर छोड़ोगे, लोग छोड़ोगे लोग। बात तो ऐसे कर तो जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी ले गया गाड़ी। एक स्पीड पकड़ो उसी पे हम चलते रहेंगे, कितना भी कुछ भी हो हम मतलब एक्सीलेटर कम करके देखो किधर जा रहा है। पता नहीं लोग यार कैसे 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर गाड़ी चला कर चले जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए। सच में उनमें जुनून होता है जो सबके अंदर नहीं है। ऐसा नहीं कि बस बाइक उठाए और चल लिए दोस्त, 80-90 किलोमीटर चलाने के बाद लगता है कि बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं चलेगी गाड़ी। इसके बाद घर आ गए हम लोग अमित के, बस स्नान और आराम और भोजन। बोला कि नहीं आज नहीं, आज हमें बहुत काम था इसलिए आज हमने ट्रैक्टर सीखने का जो प्लान था ना वो पोस्टपोन कर दिया। तो जब तक मैं ट्रैक्टर को समझने की कोशिश कर रहा था, अमित ने अपने जो छोटे मोटे काम थे, अमित ने पावर नैप लिया एक छोटा सा। और अपना गेस्ट हाउस खुल गया, अपना भूतिया गेस्ट हाउस। भूतिया बे। अच्छा भाई तुम लोग यहाँ पे जो घर बनाते हैं नीला पीला हरा क्यों रंग देता है? और ये चीज़ हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में क्लास 8 में या 7 में पढ़े होंगे, तब से बहुत मन था कि शेरशाह सूरी का परंपरा देखना है। और फाइनली 2020 कोरोना के टाइम में हमें ये मौका मिला कि हम सासाराम आए और अमित भैया हमें अपना ये मकबरा दिखाएंगे। अटैक हुआ था इनके मेंशन, तो फिर यहाँ पे ये तोप का ही है, यहाँ पर आके गिरा था। तो ये जो गड्ढा है ये तोप का है ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है दो चार बार उतर के चढ़ उतर सही में सीढ़ी बहुत सीधा है इसका। हो जी लेग्स हो गई तो क्या 1500 जिम में देगा। ये था सासाराम का मकबरा का कंप्लीट टूर। तो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए, खाना खाने के बाद फिर मेरी रात को ट्रेन थी इसलिए एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट ढूंढा हमने और इसके बाद और अपना भोजन। उन्होंने जो खाना दिया था बहुत ही स्वादिष्ट था यार, खा के मन तृप्त हो गया, मज़ा आ गया। तो ये हम कंप्लीट डिनर इसको ही बोलते हैं। तो बस फिर इतना ही। हाय गाइस, अभी हैं हम लोग जामताड़ा में। एक्चुअली दोस्त की बहन की शादी थी तो जामताड़ा, बस सोचे चलो यार ज़रा देखें, सबका नंबर आता है, अपना भी नंबर आ ही गया। यहाँ पे जामताड़ा क्यों फेमस है आप सबको पता ही है। हेलो एंड है, तो जब भी जामताड़ा आए या फिर जामताड़ा से जब भी आपको कॉल आए तो कभी भी OTP शेयर नहीं करें, मोबाइल स्विच ऑफ करें। हाँ मोबाइल स्विच ऑफ कर लें। मेरे साथ कुणाल है और हमारे राजा जी दिन में ना बोले। और यहाँ पे कुणाल के चेहरे पे खुशी, भूख लग गया था यार, बहुत तेज भूख लग गया था। कुछ खाने के लिए मिल जाएगा अब इसको, देखते क्या है। समोसा है भैया, वही बात ब्लॉगर वाला बात पूछ रहा, समोसा देख के समोसा है भैया, अभी सनोटा दे देंगे मुंह पे दिखा के अच्छा लगेगा। अरे दिख रहा समोसा है भाई, इसका पता भैया सर पकड़ गया ना उसी में दो बार ऐसा कर दीजिए डिप। लो ब्रो कौन था। तो यहाँ पे हम लोग को एटलीस्ट भूख तो बहुत तेज लगी थी, दोपहर में हमने कुछ खाया नहीं, तो अभी एक दुकान पे समोसा मिल गया है। बाबा इसे पास करना है, कब तक पास करते रहेंगे। नहीं जो मिल रहा है इस जंगल में खाने के लिए बहुत सही है। पत्थर ही बड़ा नहीं, छोटा पत्थर है। बहाना शुरू हो गया ना, छोटा एक भी आम नहीं मिलेगा हमको लग रहा। बाबू ओए तोड़ यार, निशाना लगा, बच्चों को ही बोलना पड़ेगा आम तोड़ने से। बहुत मुश्किल से एक मिला और हम बिना मेहनत के एक मिल गया मुझे भी। अमित बाबू आम चोरी करते हुए। अमित मत कर चोरी भाई आम। अबे मालिक का है इसका पेड़ है। अमित ये लगा है, चढ़ का नहीं जा रहा। ओए
चढ़ने का हुआ नहीं उठाना है भाई उठा नहीं ना बहाना खाली करो तुम ओ शिट यार सनसेट हमने लगभग मिस कर दिया सिर्फ थोड़ा सा लालिमा बचा हुआ है हो गया सनसेट फोटोग्राफी सनसेट लवर ले लीजिए आप ध्यान से वो भी पहाड़ था अच्छा जाने के लिए पर उधर पहाड़ है और यहाँ से हमने बस सनसेट को अभी अभी जाने दिया है बंदर है बहुत सारे हाँ वहाँ ढेर सारे बंदर हैं एक बंदर हमारे ग्रुप में भी है ये रास्ते में आम जो हमने लिया था नमक वगैरह है बस यहीं बैठ के आम इंजॉय करते हैं राहुल चल भाई लेट हो रहा कितना बात करेगा साला डेढ़ घंटा हो गया डेढ़ घंटा हो गया तो